पिंकी सुबह उठती है और जॉगिंग पर जाने के लिए बाहर निकलती है। वो अपने डॉग को, जो बहुत ही अच्छी ब्रीड का है यानी कि बहुत ही महंगा, उसे भी साथ ले जाती है और जॉगिंग के लिए निकल जाती है। वो भागते भागते थोड़ा थक जाती है तो वो वहाँ एक साइड में रुक जाती है। इतने में वहाँ पे एक आदमी आता है और उस डॉग को उठा के अपने साथ ले जाता है। पिंकी उस आदमी का फेस अच्छे से नहीं देख पाती तो वो वहाँ से पुलिस के पास चली जाती है और उन्हें बताती है कि एक आदमी उनका कुत्ता उनके सामने से चुरा के ले गया, लेकिन ये इतना जल्दी हुआ कि वो उसका फेस नहीं देख पाई। तो पुलिस इसकी तहकीकात करने के लिए निकल जाती है और थोड़ी ही देर बाद उन्हें तीन सस्पेक्ट मिल जाते हैं, करण, मोहित और रोहन। जब पुलिस उनसे पूछती है, करण बोला मोहित ने कुत्ता चोरी किया है। मोहित बोला मैंने नहीं किया, मुझे कुत्तों से एलर्जी है। और रोहन बोला करण ने कुत्ता नहीं चोरी किया। अब पुलिस वाले को पता था इन तीनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है और उसी ने कुत्ता चुराया है, तो वो उनकी बातों को अच्छे से सुनती है और समझ जाती है। तो उन्हें समझ आता है कि आखिर इन तीनों में से झूठ कौन बोल रहा है और चोर कौन है। दोस्तों क्या आप सोच के बता सकते हैं इनमें से झूठ कौन बोल रहा है? अच्छे से देखिए और सोचिए और अपना आंसर हमें नीचे कमेंट कर। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इनमें से मोहित झूठ बोल रहा है और बाकी दोनों सच बोल रहे हैं। तभी रोहन की बात सच होगी कि करण के पास कुत्ता नहीं है और करण की बात भी सच होगी कि मोहित ने कुत्ता चुराया है। अगर आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो रही है तो एक बार इसे फिर से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगली पहेली देखने से पहले हमारे वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दीजिए और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वो बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाए। चलिए अभी अगली पहेली सॉल्व कर लेते हैं। अभी आपको इन इमोजीज देखकर इनका नाम गेस करना है। दोस्तों इन इमोजीज को देखकर आपको मिठाई का नाम गेस करना है। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी मिठाई है? आंसर मिलते ही जल्दी से हमें नीचे कमेंट। इसका आंसर है गुलाब जामुन। दोस्तों क्या आपको गुलाब जामुन पसंद है? तो चलिए दोस्तों आज आपकी आई टेस्ट भी कर लेते हैं। दोस्तों इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं ये वर्ड्स कौन से हैं? आंसर मिलते ही हमें नीचे कमेंट में बताएं। दोस्तों वो ये वर्ड्स है आई लव राइडल्स। तो चलिए दोस्तों अगली पहले सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों ऐसी कौन सी चीज है जिसका गला है लेकिन सर नहीं है? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर हमें नीचे कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है शर्ट या फिर टी शर्ट। तो चलिए दोस्तों अब अगली ऐसे ही मजेदार पहेली सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों अभी आपकी मेमोरी टेस्ट होगी तो इस फ्लावर वास को अच्छे से देखिए। अभी इस वाटर बॉटल को ध्यान से देखिए और अभी इस स्कूल बैग को ध्यान से देखिए। तो अभी बताएं आपने इनमें से कौन सा फ्लावर वास देखा था? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर हमें नीचे कमेंट में बताएं। आपने इनमें से ये सेकंड वाला वास देखा था, क्या आपको याद था? दोस्तों तो अभी बताइए इन चारों में से कौन सी वाला वाटर बॉटल देखा था? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर हमें नीचे कमेंट करें। इसका आंसर है ये थर्ड वाली वाटर बॉटल। क्या आपने ये बता दिया था? तो बताइए इनमें से आपने कौन सा बैग देखा था? जल्दी से इसका आंसर हमें नीचे कमेंट करें। आपने ये फोर्थ वाला स्कूल बैग देखा था। तो चलिए दोस्तों आज की आखिरी पहेली सॉल्व कर लेते हैं।
इन दोनों को ध्यान से देखिए। क्या आप इन्हें देख के बता सकते हैं कि आखिर इन दोनों में से मूर्ख कौन है, ये फेस्ट वाली लेडी या फिर ये तकेड़ वाला आदमी। इन्हें अच्छे से देखिए और सोचिए और अपना आंसर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। इसमें तो साफ दिख रहा है कि पागल तो ये दूसरा वाला लड़का है जो कि बिना कपड़ों की अपने ऊपर टाई लगाकर ऑफिस के लिए निकल गया, और वो लड़की तो बाथरूम में नहा रही है जो कि ये नॉर्मल बात है। इसका मतलब ये सेकंड वाला पागल है। और हमारी ये मजेदार वीडियोस को देखना मत भूलिए।